आगरा के शमशाबाद रोड स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बगदा बरौली अहीर में 12 से 17 नवंबर के मध्य होने वाले श्री मजिनेन्द्र चंद्रप्रभु जिन बिब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाने हेतु समस्त महिला मंडलों की बैठक आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के नारायण भवन में सम्पन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता मनोज जैन वाकलीवाल जी द्वारा की गयी। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विखे संत सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आगामी 12 से 17 नवंबर के मध्य आगरा के शमशाबाद रोड स्थित श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर बगदा बरौली अहीर में होने वाली पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाने हेतु समस्त आगरा महिला मंडलों की बैठक आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के नारायण भवन में 25 अक्टूबर को सम्पन्न हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत जैन समाज गौरव मनोज जैन वाकलीवाल जी द्वारा की गई, जिसमें 400 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बैठक में सम्मिलित होने आए श्री मजिनेन्द्र चंद्रप्रभु जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के महामंत्री श्री अनंत कुमार जैन जी ने महोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारे आगरा नगर का परम सौभाग्य है कि आगरा की धरती पर एक और नवीन जनाजे श्री 1000 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर बगदा बरौली अहीर में बन रहा है, जिसका कि पंचकल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम दवाक सागर जी महाराज के सुयोग शिष्य उपाध्याय श्री विसंत सागर जी महाराज के सानिध्य में 12 नवंबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक होना निश्चित हुआ है। एक भव्य आयोजन होता है, जिसके अंदर की पाषाण से भगवान के बनाने की क्रियाएँ संपन्न की जाती हैं। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम भगवान को पाषाण से पत्थर से भगवान बनाएंगे और फिर उसकी पूजा पाठ की जाती है। इसी संदर्भ में यहाँ एमडीएन के नारायण भवन में आज महिला मंडलों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सारे कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की जाएगी। वही महिला मंडलों की बैठक में ज्योतिनगर शैली से सम्मिलित होने आई वंदना जैन ने भी 6 दिवसीय महोत्सव के बारे में इस प्रकार जानकारी दी। आज यहाँ पर एमडी जैन हरि पर्वत पर श्री शांतिनाथ जिनालय में उपाध्याय मेडिटेशन श्री विहसन सागर जी के सानिध्य में पंचकल्याणक होने जा रहा है 12 से 17 नवंबर तक। पंचकल्याणक में भगवान के गर्भ जन्म तप ज्ञान और मोक्ष पांचों कल्याणक पर डे दर्शाए जाते हैं, जिसमें भगवान पाषाण से कैसे भगवान बनते हैं सारी क्रियाएं होती हैं। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। सौधर्मेंद्र माता पिता कुबेर सारे पात्र इसमें बनते हैं। बहुत परम सौभाग्य होता है जो इस पंचकल्याण में अपना भाग लेता है। अर्पित में पावन वर्ष योग समिति के मुख्य संयोजक एवं भारत जैन समाज गौरव मनोज जैन वाकलीवाल ने भी पूरे पंचकल्याणक महोत्सव के बारे में बताया। आज यहां पर आगरा नगर के समस्त महिला मंडलों की बैठक है। आगामी एक भव्य पंचकल्याणक नवंबर के माह में प्रारंभ होने वाला, जो पूज्य गुरुदेव वसंत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में यहाँ पर आयोजित होगा। 2 वर्ष के बाद कोई पंचकल्याणक हो रहा है नगर में। इससे पूर्व आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जिन्हीं के शिष्य भी हैं, हुआ था और उसी शान से उसी तरीके से आगरा समाज पूरी की पूरी, क्योंकि बगदा एक ऐसे स्थान पर है जो रिमोट एरिया है, तो आगरा जैन समाज एकत्रित होकर उस कार्यक्रम को भी इतना हिट करना चाहती है कि बहुत सुंदर कार्यक्रम हो। बस हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, इस पंचकल्याणक में पूरा आगरा नगर की जैन समाज जुड़े, यही हमारी मंगल भाव। हरि पर्वत में आयोजित हुई बैठक में आगरा शहर के कई वरिष्ठ लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। पंचकल्याणक महोत्सव के महामंत्री अनंत जैन एवं अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार जैन के अलावा अर्पित में पावन वर्ष योग समिति के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट।